हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजु बूस्टर्स। एज यू ऑल नो, हम लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन, और हम लोगों ने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया उसमें। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और ये सारा चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया उस वीडियो में। तो आज हम किस टॉपिक के साथ प्रोसीड करने वाले हैं? आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आखिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से क्या मतलब है? पहले यूनिफॉर्म मोशन समझ लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म अपने आप समझ आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है ना, यूनिफॉर्म का मतलब सेम होता है, ठीक। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मान लो, पहले एग्जांपल से समझ लो, बहुत सिंपल एग्जांपल से। मान लो आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो कहीं पार्क में जाके, या साइकिल चलाते चलाते स्कूल जा रहे हो, ठीक है। बड़ा मज़ा आता है साइकिल चलाते चलाते स्कूल जाने में। आप यहाँ घर से निकले, ठीक है, ये रहे आप, और कोई भी हो सकता है ये पैर से बच्चा, ठीक है, चलो फिर जा रहा है ये बच्चा, ठीक है। देखो पहले पाँच सेकेंड में ये बच्चा शुरू के 5 सेकेंड में, या 1 सेकेंड में, चलो ठीक है, 1 सेकेंड में ये कितना दूरी चल रहा है, 1 सेकेंड में 5 मीटर चल ले रहा है ये साइकिल से, 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय कर ले रहा है। आप मतलब अज्यूम कर लो, अगर आपको बिलीव नहीं है तो, मैथ्स और फिजिक्स में अज्यूम ही किया जाता है बच्चों, चलो ठीक है। 1 सेकेंड में 5 मीटर साइकिलिंग कर ले रहा है, साइकिल चला ले रहा है। देखो इसकी साइकिल नहीं बनाया मैंने, साइकिल बनाना बहुत डिफिकल्ट है, आप लोग बस मान लो कि ये साइकिल पे जा रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगले 1 सेकेंड में, मतलब दूसरे सेकेंड में, अगला 1 सेकेंड दूसरा ही सेकेंड हुआ ना, उस सेकेंड में भी ये 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल कवर कर रहा है, ठीक है। उसके अगले 1 सेकेंड में, अगले वाले सेकेंड में, मतलब तीसरे सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में भी ये कितना दूरी तय किया, 5 सेकेंड दूरी, अरे सॉरी 5 मीटर ही दूरी तय किया ये। तब देखो, और 4th सेकेंड भी ले लो, 4th सेकेंड में भी ये 5 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। आपको देखो ये बहुत सिमिलैरिटी दिख रही होगी कि हर सेकंड में वो, मतलब फर्स्ट सेकंड में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, सारे सेकंड में, मतलब हर 1 सेकंड में वो 5-5 मीटर की दूरी तय कर रहा था। बस इसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करने को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। दैट्स ऑल, बस इतना ही था यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ लो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अब यूनिफॉर्म का मतलब सेम, मैंने बताया, आगे नॉन लग गया, मतलब सेम नहीं है, ठीक। जो सेम नहीं होता है उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। पर क्या सेम नहीं होता है? टाइम टेकन और क्या कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड, दोनों सेम नहीं होता। मतलब पिछला वाला कैसे एग्जांपल लिया था मैंने, कि फर्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर की दूरी वो बच्चा साइकिल चला के तय कर रहा था, हर सेकंड में, हर 1 सेकंड में वो 5 मीटर की दूरी तय कर रहा था। मतलब टाइम टेकन भी 1 सेकंड ही था हर डिस्टेंस पे। हाँ, तो उसमें क्या बताया था कि कैसे हो रहा था, दूरी कैसे तय कर रहे थे वो साइकिल चलाते हुए बच्चे, मतलब एक ही बच्चा था, कैसे दूरी तय कर रहा था, 1 सेकंड में सेम टाइम इंटरवल तो सेम था, और डिस्टेंस भी कवर्ड सेम था, ठीक है, 5-5 मीटर की दूरी तय कर रहा था। 4 सेकंड तक एग्जांपल लिया था मैंने। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है? देखो नॉन यूनिफॉर्म में उतने ही टाइम इंटरवल में, मतलब मान लो आप एग्जांपल ही ले लो, क्योंकि एग्जांपल से ही क्लियर हो जाने वाला, डेफिनेशन छोड़ो। देखो जब आप पापा के साथ पिकनिक पे जा रहे हो, ठीक है, कार में बैठ के, ठीक, और क्या हो रही है, बहुत ट्रैफिक है, भगवान न करे पिकनिक पे जाते समय ट्रैफिक लग जाए, लेकिन अज्यूम कर लो ऐसा हो गया बच्चों कि ट्रैफिक लग गई अब, और आप लोग पापा के साथ कार में बैठे हो, और ट्रैफिक के कारण क्या होता है कि शुरू के पहले सेकंड में, तो मान लो पहले सेकंड में गाड़ी बहुत बढ़िया चली, गाड़ी कितना दूरी कवर कर ली, 10 मीटर कवर कर ली। अगले 1 सेकंड में दूरी कितना दूरी तय की है गाड़ी, समझ लो बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक हो गया, तो 2 ही मीटर। फिर अगले वाले सेकंड में, मतलब ये सेकंड है, आप समझ लेना इस चीज़ को, मतलब मैं लिख भी दे रही हूँ, ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड और सेकंड कंफ्यूजन हो रहा है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा था। तो हर 1 सेकंड में, मतलब ये 3rd वाला सेकंड हुआ, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, बस कॉन्सेप्ट समझो। देखो
तो पहले फर्स्ट सेकंड में उसने मतलब पापा ने 10 मीटर दूरी तय की थी गाड़ी की, और अगले सेकंड में अगले एक सेकंड में उन्होंने 2 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया। फिर ट्रैफिक थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ा सा जाम हटा, तो फिर कितना कवर किया, फिर समझ लो 5 मीटर कवर कर लिया, प्रगति हो गई थोड़ी सी। उसके बाद फिर स्पीड पकड़ ली पापा ने और कितना कवर कर लिया, 20 मीटर। ठीक, एक सेकंड में जादू ही हो गया ये तो, एक सेकंड में 20 मीटर। ठीक है, नहीं जादू नहीं, ऐसा हो भी सकता है, ये फोर्थ सेकंड है हमारा, चलो ऐसे। ठीक है, मतलब एक एक सेकंड करके चौथा सेकंड हुआ ना बच्चों। तो देखो टाइम इंटरवल उतना ही है लेकिन दूरियां अलग अलग हो जा रही है, इसी को नॉन यूनिफॉर्म कहा जाता है मतलब। ठीक है, और यूनिफॉर्म वाला क्या था, टाइम इंटरवल तो सेम था ही, दूरियां भी सेम थी। ठीक, बस ये बच्चों एक लाइन में इसका डेफिनेशन क्या बनता है। एक लाइन में डेफिनेशन ये है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, सेम टाइम इंटरवल थी पर दूरियां अलग अलग थी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, सेम टाइम इंटरवल पर दूरियां अलग अलग हो जाती हैं। बस क्लियर है, इतना ही था आज के टॉपिक में, ये छोटा सा ही टॉपिक। अगले वाले वीडियो में हम लोग बड़ी बड़ी टॉपिक्स पढ़ेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ थी और कितनी मज़ेदार थी। देखो याद है बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने होमवर्क दिया हुआ था, चलो उस होमवर्क का सॉल्यूशन बता दूँ आप सबको, कमेंट में आप लोगों ने कमेंट किया ही होगा। चलो देखो होमवर्क क्या था, पहला वाला तो क्वेश्चन ये था, 2 किलोमीटर था बेस, मैंने बताया था। देखो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ये था और ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। पहले तो आप पॉइंट्स ले लो, ए नहीं नहीं इधर ले लो, ए बी सी। चलो ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। डिस्टेंस तो निकालना बहुत सिंपल है, टोटल बस आप टोटल दूरी निकाल दो, कितना 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 चला गया है, ए से बी तक चला गया 2 किलोमीटर किलोमीटर में, और ए से सी तक चला गया 3 किलोमीटर में। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा होगा 5 किलोमीटर, बस खत्म। डिस्प्लेसमेंट देख लो, हाँ तो बच्चों देखो ये ए से नहीं चल रहा था कोई, ये बच्चा शुरू किया था चलना सी से। ठीक है, या तो आप बी से, बी को भी इनिशियल पॉइंट ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इनिशियल बी को ही ले रही हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे बैठी कोई बैठा था इनिशियली, ये इनिशियल पॉइंट है अपना, बी लिख दिया मैंने पॉइंट को, सर समझ जाओ आप लोग, इनिशियल पॉइंट ये है बी। ठीक है, बी से कोई चलना शुरू किया, कोई बच्चा बी से ए चला, फिर ए से सी तक चला। अब मैंने वही एग्जाम, आखिर मैंने क्वेश्चन सही करवाया है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया मेरे से। देख लो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, पहले 2 किलोमीटर चला बी टू ए, फिर ए टू सी चला 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि टोटल पाथ हमारा जो भी होता है वही डिस्टेंस होता है। चलो डिस्प्लेसमेंट देख लो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजिशन पर होता है। फाइनल पोजीशन क्या है और हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, उसको डिस्प्लेसमेंट, अरे सॉरी डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग गलत है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैं आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में थी। देखो डिस्प्लेसमेंट की कहाँ से कहाँ, इनिशियल ये है और फाइनली सी पे पहुँच गया वो बच्चा, जो भी बच्चा है, मान लो मैं ही चल रही थी, बी सी पे पहुँच गई। चलो तो सी पे पहुँच गए, तो ये लाइन ड्रॉ कर लो, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, सबसे छोटी वाली दूरी, यही ये वाली दूरी तो लंबी होगी ना, चाहे इधर से इधर आओ, चाहे इधर से इधर आओ, लंबी होगी ना, चाहे और कोई भी बात बना लो, ये सबसे छोटी सी मतलब सबसे छोटी सी दूरी है, यही डिस्प्लेसमेंट होगी। चलो ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो और ये इसका हाइपोटेनस। चलो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला सबको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम से, फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। सबको पता है ना, AB का होल स्क्वायर प्लस AC का भी होल स्क्वायर, ये 4 ये 9, 4 और 9 अंडर रूट 13। चलो ये आंसर हुआ अंडर रूट 13। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, BC इज इक्वल्स टू 13 किलोमीटर अंडर रूट में।
ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन तो खत्म होता है हमारा, ये क्वेश्चन के साथ डील कर लेते हैं। मैंने इसका रेडियस दे रखा था आपको, इसका रेडियस था 2 मीटर और मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही निकालने के लिए दिया हुआ था। इस ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बस माइंड यूज़ करना था इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट समझ लो, बड़ा सिंपल है। इसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत कम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सबसे कम दूरी देखो पॉइंट ए था और पॉइंट बी है, समझ लो यहाँ से कोई चीज़ यहाँ तक चली गई। चलो मान लो इस पाथ से चल के आई, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट निकाला। आपको पूछा जाए कि आप सबसे कम दूरी कैसे तय करोगे, तब आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट से। आप बताओगे कि डिस्प्लेसमेंट का पाथ क्या होगा, यहाँ ए से बी तक ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है। आप कोई भी अदर पाथ ड्रॉ करके चेक कर सकते हो कि वो बड़ा होगा, वो ज़्यादा वैल्यू का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा यही है, ये क्या है, ये पूरा डायमीटर है। आप ध्यान से देखो तो ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है। तो ये इसका रेडियस था और ये पूरा ए बी, ये पूरा इसका डायमीटर था। मैंने शुरू में ही कहा कि इसकी रेडियस दी हुई थी मैंने, ठीक। चलो तो ये रेडियस जब 2 है तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2R, 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट। चलो अब डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। डिस्टेंस का थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने कहा बाद में डिस्टेंस समझाऊंगी। देखो डिस्टेंस क्या होती है, जो दूर डिस्टेंस कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले बताया यहाँ से ये डिस्टेंस को कवर किया हुआ है, तो हम लोग जहाँ जहाँ चल के गए, आप समझ लो घर से निकलो, कदम के निशान पैर में कोई इंक लगा के चलो और कदमों के निशान को देखते रहो, तो आप जहाँ जहाँ चल के गए बस उस कदमों के निशान को फॉलो करो, उनकी लंबाई नाप लो, वो पूरा हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ये एक मतलब ये मस्ती वाला एग्जांपल था, हंसने वाला, ठीक है, सीरियस वाला एग्जांपल देखो, मतलब क्वेश्चन को डील करो। ए से बी तक हम ऐसे इस पाथ पे चल के गए, ये सेमी सर्कल का पाथ है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक क्या, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पूरे सर्कल का, एक पूरे सर्कल की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर, 2πr होता है पूरा पेरीमीटर। तो सेमी सर्कल का क्या होता है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 कट गया, πr बच गया। सेमी सर्कल का पेरीमीटर πr आ गया, ठीक है, πr यही तो हमारा टोटल डिस्टेंस है। देख लो टोटल डिस्टेंस यही है ना, यही इसी पाथ पे चल के गए थे πr। चलो देखो अब पाई, तो पाई वैसे आ जाएगा r की वैल्यू इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2π। ये है डिस्टेंस, खुश, आंसर आ गया आपका। चलो आप चाहो तो पाई की वैल्यू को मतलब खोल भी सकते हो, 2 × 22/7 करके इसको चाहो तो सॉल्व करो, या 2π भी लिखो तो ये सही है। हाँ ये मीटर में है, ठीक है, ये याद रखना, 2π मीटर में है, ठीक है। चलो ये आपका आंसर था। तो मैंने आपको पिछला होमवर्क भी एक्सप्लेन कर दिया। आज के वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, यहीं पे फिनिश करते हैं, आगे हम लोग और प्रोसीड करेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन, स्टे ट्यून्ड।